डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, पहली बार भारत में होगी वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। हाल ही में कार्यक्रम में विश्व कॉफी सम्मेलन या वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस के लोगो और थीम का अनावरण किया गया। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में किया जाएगा। ये पहली बार है जब विश्व कॉफी सम्मेलन एशिया में पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। 2023 में इस वैश्विक सम्मेलन का 5वां संस्करण है। 2023 में इसकी थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर। इसके लिए टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसका शुभंकर या मैस्कॉट स्वामी है, जो भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए लोगों से जुड़ते हुए आधुनिक अवतार में दिखाई देता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। WCC या वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन यानी ICO द्वारा प्रचारित किया जाता है। यह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन यानी ICO की, तो ये 1963 में अस्तित्व में आया। ये कॉफी के लिए एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है। ये विश्व कॉफी उत्पादन का 93% और विश्व खपत का 63% का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन वैश्विक कॉफी क्षेत्र को मजबूत करने और बाजार में इसके सतत विस्तार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। गौरतलब है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समझौता या ICA 1962 में 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू हुआ था। हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक भारत के कुल कॉफी उत्पादन के लगभग 70% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है।